रात को 3 बजे आप बिस्तर पे लेट गए हैं फिर भी नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर की छुट्टी नहीं, नमाज फजर में नागा नहीं है, ये नौसत की बुनियाद है। नमाज फजर ना पढ़ना सूरज निकलने से पहले पहले ये किसी भी शख्स के खबीस होने की अलामत है। रसूल पाक फरमाते हैं खबीस आदमी, रसूल पाक फरमाते हैं ये मुनाफिक आदमी है, रसूल पाक फरमाते हैं मेरा जी चाहता है इसकी लाश को मैं आग लगा के जला दूं, ये ऐसा गंदा इंसान है कि शैतान ने इसके कानों में पेशाब कर दी। तो मेरे नौजवान भाई हो, आप रात गए तक व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हो, फेसबुक और चैनल्स पे बैठे रहते हो, चले मैं आपको उन चीजों से नहीं रोकता, लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ पूरी दुनिया में जहां तक मेरा पैगाम जाए, कोई मेरी मुसलमान बेटी बहन मेरा भाई मुझे सुने तो मैं उसे 1000 बार ये कहूंगा कि नमाज फजर से प्यार सीखो, उस वक्त रोया करो, फजर की सुनतें पढ़ा करो। मालदार वो नहीं है जो मुल्क का वजीर आजम है, मालदार वो नहीं है जिसका डॉलरों में बैंक बैलेंस है, ऐसा नहीं है। मालदार वो है जो सुबह की नमाज से कबल 2 सुनते अदा करता है। दुनिया और दुनिया के खजाने भी ऐसे शख्स की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते जो सुबह की 2 सुनते फर्ज से पहले अदा कर लेता है। सलात अल फजर या इबादल्लाह, नमाजी भाइयों नमाज फजर से प्यार करो, इसमें खैर है, इसमें बरकत है, इसमें हिफाजत है, इसमें सेहत है, इसमें अजर व सवाब है, इसमें क़यामत के दिन का नूर है, यही आपकी जन्नत है, यही आपकी कामयाबी है। कायनात का बदनसीब इंसान है जो बिला वजह रोजाना नमाज फजर जमात से नहीं पढ़ता, सूरज निकलने से पहले नहीं पढ़ता। अल्लाह हम सब की ये गफलतें दूर कर दे, उस नूर के वक़्त हमें रोने की तौफीक दे दे। अल्लाह जिन घरों में ये गफलतें हैं अल्लाह उनको वो गफलतें दूर करने की तौफीक दे दे। अगर आपकी वालदा आपको उठाती है, वालद उठाता है, तो ऐसे वालदैन के पांव धो धो कर पिया करें जो आपको फजर के वक्त उठाते हैं, उनसे नाराज ना हुआ करें, उनकी इंसल्ट ना किया करें और उनसे बदतमीजी से पेश ना आया करें। वल्लाह मैं ऐसे दर्जनों घराने जानता हूँ घर में माँ बाप नहीं है और खानदान में से कोई बंदा नमाज फजर नहीं पढ़ता, और वो भी घराने मनहूस है कि जिनके वालदैन फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो मैं बड़ी माजरत और मोहब्बत से ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मेरे मुताला में चीज़ आई है वो ये है कि फजर का नमाजी किसी न किसी रोज़ अल्लाह उसको किनारे लगा ही देते हैं और अल्लाह उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह मुझे और आपको नमाज फजर की मोहब्बत और नमाज फजर की अकीदत और अदायगी नसीब फरमाए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।